मुद्दा ये है गाइस, आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये कुछ टैब्स दिख रहे हैं ना, एक है आपका चैट जीपीटी, दूसरा सेमरश और तीसरा कोरा। आज इन तीनों से ही काम चलाने वाले हैं और एक जबरदस्त हम एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कोरा में क्या खोल रखा है। व्हाट शुड आई डू, माय गर्लफ्रेंड हैज बीन गेनिंग वेट लेटली एंड शी सेड शी वांट्स टू बी अ बीबीडब्ल्यू और एसएसबीबीडब्ल्यू। ये क्या है पता है आपको, पहले बता दूं। देखो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहा हूं और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मुझे कोशिश करना है कि मैं यूएस ऑडियंस को टारगेट कर पाऊं और मुझे यूएस के ट्रैफिक पे डिपेंड होना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने क्या किया है, जिसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कोरा को सिलेक्ट किया है। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है गाइस, देखो अगर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो सबसे पहले मुझे उन पर्टिकुलर कंटेंट को टारगेट करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा फेमस है यूएस में, और उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस होता है वो होता है वेट लॉस। तो मैंने क्या किया है, आप देखो यहां पर मैंने कुछ फिल्टर्स का इस्तेमाल किया है बैक टू बैक। अब अगर मैं इन सारे फिल्टर्स को हटा दूं, चलो बैक टू बैक मैं आप लोगों के सामने इन सारे फिल्टर्स को यहां से हटा देता हूं, सारे फिल्टर हट गए। टोटल में अगर बात करूं कोरा, तो गाइस कोरा इज लाइक अ पूल ऑफ सच कंटेंट जिसके अंदर दुनिया का हर टाइप का क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाता है। 34 मिलियन कीवर्ड्स मेरे पास है जिस पे मैं इजीली एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूं, बट ऑल 34 मिलियन कीवर्ड्स आर नॉट फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी निच पे ही अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करूंगा, प्रमोट करूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, टीजी स्टोर 24 पर चलते हैं और ढूंढते हैं कि यहां पर कहीं मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसका मैं आराम से प्रमोशन कर सकता हूं। क्लिकबैंक आपको आसानी से अपना अकाउंट नहीं दे रहा है, बट डिजी स्टोर आपको अकाउंट दे सकता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो, अकाउंट यहां पर बना लो जैसे भी बनाना है, मार्केट प्लेस पे जाओ और यहां पर देखो कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर सकते हो। लुक एट इट, अब यहां पर देखो क्या क्या चीजें हैं। यहां पर कीटो मील प्लान है, तो कीटो क्या होता है गाइस, वेट लूज का प्रोग्राम होता है। 85% आपको कमीशन मिल जाएगा और ऑलमोस्ट जो कि $27.5 का एक अराउंड आपका अकाउंट में आ जाएगा अगर आपका सेल होता है। तो यहां पर आपको सिंपल क्या करना है, आपको इसको प्रमोट करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे वेट लूज वाले कंटेंट पे उन ऑडियंस को टारगेट करना है जो ऑडियंस वेट लूज करना चाहती है। तो ये रहा वो पर्टिकुलर पेज जिसके अंदर अच्छा खासा आपका वेट लूज हो सकता है। बट ये मुझे मिला कैसे गाइस, इसका मेन तरीका ढूंढो। देखो आप अगर कोरा में जाओगे और किसी भी वेट लूज प्रोग्राम पे आप अपना आंसर लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है वो भी एक तरीका है, बट मैं आसान तरीका ढूंढूंगा। अब देखो आपको यहां पर क्या करना है, नंबर वन आप सबसे पहले क्या जाओगे, आप जाओगे गाइस डोमेन ओवरव्यू। जैसे आप डोमेन ओवरव्यू पे जाओगे यहां पर आप कोरा.com डाल देना और सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन आएगा जो कि ये वर्ल्ड में कोरा का पूरा डिटेल दे देगा, बट अभी मुझे यूएस में टारगेट करना है तो मैं यूएस में टारगेट करने के लिए यहां पर क्लिक कर दूंगा। तो इसके बाद आप नीचे आओगे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे जाओगे और आप यहां पर देखोगे 3.5 करोड़ ऑर्गेनिक कीवर्ड है जो कि कोरा के गूगल पर रैंक कर रहे हैं। जस्ट क्लिक ऑन व्यू डिटेल, जैसे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे और आप यहां पर आ जाओगे 34 मिलियन, वाओ बहुत बड़ा अमाउंट है। अब यहां पर डेफिनेटली मैं इतने सारे कीवर्ड पे काम नहीं करूंगा, तो मैं धीरे धीरे अपने तरीके को इस्तेमाल करूंगा कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए ताकि मैं ज्यादा एफिलिएट इनकम जनरेट कर पाऊं। उसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जाओ और सबसे पहला काम ये कर लो, आप पोजीशन में टॉप 10 ले लो, मतलब कोरा के वो कीवर्ड्स जो कि गूगल में टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं यूएस में। तो सबसे पहला काम ये हो गया कि 5.6 मिलियन कीवर्ड्स वो मिल गए जो कि गूगल पे रैंक कर रहे हैं टॉप 10 में, कि गूगल पे भी अगर कोई सर्च करेगा तो कोरा उस पे रैंक कर रहा है और वहां से आपको ट्रैफिक मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें 9.17 मिलियन का ट्रैफिक है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट सोप टू डे, जिसमें कोरा को कम से कम 3.5 लाख का ट्रैफिक मिल जाता है इस कीवर्ड से, आप देख पा रहे हो। इसके अलावा रिच प्योरिटी टेस्ट वगैरह वगैरह जो भी है हमें इससे मतलब नहीं है, हम नेक्स्ट जो करने जाएंगे। मेरा फिल्टर देख लो और ये फिल्टर बहुत कामयाब फिल्टर है, आप डेफिनेटली इसका फायदा उठाना, बिल्कुल ऑर्गेनिक में आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने का मौका मिल जाएगा। बट डिस्क्लेमर साफ है कि कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, डेडिकेशन और टाइम देना पड़ेगा। वॉल्यूम पे जाओ और मिनिमम 100 वॉल्यूम डाल दो कि मुझे 100 वॉल्यूम के ऊपर वाले कीवर्ड चाहिए। 5.6 मिलियन कीवर्ड्स है, आप देखना कितना ये रह जाएगा। सीधा 5.6 से कितना आ गया, 1.7 मिलियन, मतलब ऐसे कीवर्ड्स 3 मिलियन से ज्यादा थे जो कि 100 से कम ट्रैफिक जनरेट कर रहे थे, मुझे उन कीवर्ड्स का भी फायदा नहीं उठाना, इसलिए मैंने उसको यहां से हटा दिया। अब इसके बाद सीधा इंटेंट पे जाओ और कमर्शियल को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि कमर्शियली वो कीवर्ड है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग को बढ़ावा दे सकता है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में कन्वर्जेंस ला सकता है। तो जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो 1.7 मिलियन कीवर्ड में से सिर्फ रह गए 1.25 लाख कीवर्ड, है ना। तो धीरे धीरे फिल्टर कर रहा हूं, कीवर्ड कम होते जा रहे हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है, 2.2 मिलियन का ट्रैफिक अभी भी आपके हाथ में है, विच इज अमेजिंग। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक और फिल्टर लगा लो जल्दी से, एडवांस फिल्टर में जाओ और यहां पर इंक्लूड कीवर्ड कंटेनिंग में आपको करना है वेट लॉस। जैसे आप इसे अप्लाई करोगे तो 1.25 लाख कीवर्ड में से भी अब कितने कीवर्ड रह जाएंगे, आप देख लो 129 मात्र कीवर्ड और 1200 का टोटल ट्रैफिक जो कि कहां से आ रहा है, गूगल से आ रहा है, कोरा में आ रहा है। अब घबराने की जरूरत नहीं है कि 129 कीवर्ड से ही ट्रैफिक आ रहा है और मात्र 1200 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये नहीं देखना है, मुझे कोरा को रैंक थोड़ी ना कराना है और कोरा के लिए ओनली गूगल से ट्रैफिक थोड़ी ना चाहिए। ये तो पूरा आइडिया ये था कि गूगल से कोरा ट्रैफिक ला पा रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर पेज का कोरा का बहुत जबरदस्त अथॉरिटी है, वहां पर काम अच्छा होगा।
होगा क्योंकि हो रहा है इसलिए गूगल से ट्रैफिक आ रहा है। देखो मैं धीरे धीरे दिखाता जा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और आपको पता लग गया ना कि मैंने यहाँ पर वेट लॉस क्यों लिया है, क्योंकि मैं अब उन्हीं कीवर्ड्स के उन पेजेस पे काम करूंगा जिन पेजेस पे मैं इस कीटो प्रोग्राम को आराम से प्रमोट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर नंबर वन सबसे पहले चलते हैं, इज इज स्टीक गुड फॉर वेट लॉस। गाइस कैन यू इमेजिन, ये कमर्शियल कीवर्ड है, मतलब आपसे ऑडियंस पूछ रहा है कि क्या स्टीक जो है वो अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। इससे बेटर ऑडियंस मिल सकता है कि आपको जो कि आपके इस प्रोग्राम को ले ले, जो कि आपका एफिलिएट प्रोग्राम है। सिंपल जाओ, जल्दी से क्लिक करो और ओपन करो ये कौन से पेज को रैंक करा रहा है कोरा के। तो यहाँ पर ये रहा वो पेज जो कि कोरा का रैंक कर रहा है। सबसे पहले कैन ईटिंग स्टीक कॉन्ट्रीब्यूट टू वेट लॉस। अब अगर आप नीचे जाओगे तो आप देखो दीपक कुमार किसी इंडियन ने लिख रखा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2.8 मिलियन का कंटेंट व्यूज है इसका। वाओ, हर महीने 85,000 इसका व्यू होता है, इसका मतलब ये अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पर लिखता है। अब अगर मैं बात करूं तो आप हैरान ना हो जाओ, तो मैं उसके लिए दिखा दूं। गाइस इसने प्रॉपर एक कंटेंट लिखा है, यू कैन सी दैट। उसके बाद रियल इमेजेस यहाँ पर पोस्ट किए हैं जस्ट टू मेक इट मोर अथॉरिटेटिव, मतलब ट्रस्टवर्दी लगे, ऐसा कुछ इसने किया। और बहुत जबरदस्त है कंटेंट इसने यहाँ पर पब्लिश किया है और बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट पर रैंक कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज आपको दिखाऊं तो ये सारे हैं इसके एफिलिएट लिंक। नीचे देखो अमेज़न का है ये सारा अमेज़न का एफिलिएट लिंक है। अगर आप देख पा रहे हो तो देख लो, जस्ट क्लिक हियर, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। और ये रहा, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो दिस इज व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग, इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब खास बात देखोगे गाइस, 715,000 का व्यूज, कितना 715,000, ऑलमोस्ट अ मिलियन व्यूज। लोग यूट्यूब से भी नहीं ला पाते हैं इतना व्यूज हो जितना कोरा पे आ गया है। और इस बंदे की अभी तक की एफिलिएट इनकम कितनी होगी आप सोच भी नहीं सकते। ये थी कहानी जो कि अभी तक समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और चार साल पहले लिखा था इसने, समझ रहे हो, चार साल से कंटिन्यूअसली ये टॉप में रैंक कर रहा है और ये कंटिन्यूअसली व्यू ला रहा है। क्यों व्यू ला रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था कि हर महीने का 85,000 व्यूज तो इसका बाय डिफॉल्ट आता ही रहता है। 85,000 का व्यू हर महीने का, ये सोच के देखो ना फिर कि चार साल पहले लिखा आज भी व्यू आए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि हर महीने इसका एफिलिएट मार्केटिंग जो है पैसिव बन गया है। तो ये नंबर वन तरीका है। अब आपको क्या करना है, अब सेकंड चलते हैं किसी और पे, बेली बटन वेट लॉस, ठीक है, ओपन करते हैं। गाइस ये वाला देखो, आशुतोष कोई है, जयपुर का बंदा है, अमेरिका में इसका पेज जो है वो रैंक कर रहा है ये वाला। और इसका अगर मैं व्यू दिखाऊं, ओ माय गॉड, 3.6 मिलियन व्यूज गाइस और 5,159 जो है अपवोट्स है। तो इसका मतलब गाइस आपको ये तो समझ आ गया कि पावर तो है, ठीक है, अगर आप काम करोगे कोरा में तो जबरदस्त पावर है। और एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ आप फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हो, देख रहे हो व्यूज और अपवोट्स। चलो अब ये रही कहानी की यहाँ तक कि हमने वो क्वेश्चन ढूंढ लिए जो खासकर अमेरिका में रैंक करते हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में रैंक करते हैं। ये तो हमें पता लग गया इन 129 कीवर्ड्स पे। अगर आपको ये 129 कीवर्ड्स चाहिए तो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ और जल्दी से मैं इसको आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भिजवा देता हूँ। तो आप जल्दी से टेलीग्राम पे जाओ और इस पर्टिकुलर कीवर्ड लिस्ट को ले लो और उस पे ये वाला लिंक भी रहेगा जहां पर कोरा पे जाओ और आप वेट लॉस पे अपना जो कंटेंट है वो लिखना स्टार्ट कर दो। लेकिन कैसे, चलो वो देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आते हैं इस कमाल पे जहां पर चैट जीपीटी मुझे हेल्प करेगा। चैट जीपीटी पे जा रहे हैं, न्यू चैट पे क्लिक करना है और आपको ये सब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एंटर करना है और जस्ट आपको एंटर कर देना है। अब वेट करते रहो, जैसे आप वेट करोगे एंड नाउ ये आपको आंसर देगा। क्या आपको ये सेम आंसर कॉपी पेस्ट करना है क्या आपने पर्टिकुलर कोरा में, बिल्कुल भी नहीं। अब आप देख लो कि आप क्या कर सकते हो। नंबर वन, इसने इतना आंसर दे दिया, इसको पढ़ के देख लो। मैं कुछ देर का पॉज लेता हूँ, आप भी पढ़ो और मैं भी पढ़ता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको ना या तो खुद के लैंग्वेज में लिख दूंगा, खुद का लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। अब आप जाओ सीधा क्विलबॉट आपको पैराफ्रेज करने में हेल्प करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपको बहुत ज्यादा यूज करना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर पेस्ट टेक्स्ट कर दिया मैंने सिंपल और मैंने यहाँ पर पैराफ्रेज पे क्लिक कर दिया। आप चाहो तो स्टैंडर्ड रख सकते हो वरना फ्लुएंसी रख सकते हो, मैं फ्लुएंसी पे फोकस करूंगा। अब जैसे मैंने फ्लुएंसी में फोकस किया, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आ गया देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू सजेस्ट दैट अ बेली बटन वेट लॉस पैच इफेक्टिव फॉर क्लोज एज वगैरह। इसने मुझे पैराफ्रेज करके दे दिया। चलो इसको स्टैंडर्ड भी कर लेते हैं, स्टैंडर्ड करके भी देख लेते हैं एक बार और स्टैंडर्ड में कितना चेंज आ रहा है। स्टैंडर्ड में ये ज्यादा चेंज कर रहा है। अब इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं और देख लेते हैं कि ये कहीं एआई डिटेक्शन टूल में आ तो नहीं रहा है। एआई डिटेक्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे कंटेंट स्केल पे। मैं इसको यूज करता हूँ, आप जो मर्जी यूज करो सारे सेम काम करते हैं। इस पे पेस्ट कर दूंगा, जैसे पेस्ट करूंगा अब मैं चेक फॉर एआई कंटेंट को क्लिक करूंगा। अब अगर यहाँ पर जितना 100 हुआ उतना ज्यादा आपका ह्यूमन हो रहा है, ये कह रहा है हाईली लाइकली टू बी एन ह्यूमन, मतलब ये ह्यूमन ने ही लिखा है, ये तो कंफर्म्ड है क्योंकि इसमें सारे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी एआई की तरह साउंड नहीं हो रहे हैं। अब आप इस कंटेंट को एज इट इज आके यहाँ पर अपना आंसर मेंशन कर सकते हो। अब जैसे आप आंसर मेंशन करोगे, अब मेरा क्या है, देखो गाइस मैं
रॉय डिजिटल का सीईओ हूं, मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है, तो इस टाइप का आंसर मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप अपना प्रोफाइल बनाओ, उस प्रोफाइल को ना डेडिकेटेड टू अ सब्जेक्ट करना है, ताकि लोग आपको ट्रस्ट करें कि आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हो। अब अगर मैं ये वेट लॉस पे लिखूंगा ना, तो लोग मुझे उतना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि ये हो सकता है कि वो मुझे एफिलिएट मार्केटर जानते हैं, वो मुझे डिजिटल मार्केटर जानते हैं, वो क्यों मुझे बेली बटन वाले, मतलब वेट लॉस वाली चीजों पे फोकस करेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये करके नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं। इस तरीके से आपके पास कितने क्वेश्चंस हो गए, 129 क्वेश्चंस हो गए गाइस। 129 क्वेश्चंस का आप आंसर दे देना आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर विदाउट अ सिंगल लिंक। 2 महीने का काम है, आप सिंगल लिंक भी नहीं दोगे, और आप विदाउट AI कंटेंट को या तो आप चर्न कर लो किसी टूल के थ्रू, या फिर आप अपना मैनुअली चर्न कर लो, वो तो बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा। मैनुअली तो पैराफ्रेजिंग टूल में तो फिर भी पैसे लगेंगे, या फिर डेली का आपको छोटे छोटे पैराग्राफ आपको फ्री में ये क्विल बोर्ड जो है आपको देता रहेगा। दैट इज अगेन, आप चेक कर लेना कि आप उसे कैसे मैनेज करने वाले हो। बट अब जैसे इसको पोस्ट करोगे ना, तो आपके उस प्रोफाइल का जो वेट है, अथॉरिटी है, वो बढ़ता रहेगा कोरा की नजरों में। तब जाके कोरा आपको अलाउ कर देगा कि हाँ, आप तो बिल्कुल जेन्युइन कंट्रीब्यूटर हो कोरा के। तो कोरा अब कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं करेगा लिंक डालने में। तब आप धीरे धीरे, आपके पास डिजिस्टोर है या जो भी है, जहां से भी आपका वेट लॉस का कोई भी प्रोग्राम है एज एन एफिलिएट मार्केटिंग में, तो आप उसको प्रमोट का लिंक वहां पर दे सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा वो अगेन सीक्रेट तरीका, ये बताऊंगा, जो कि रिवील तो मैं कर ही जा रहा हूं, अब तो सीक्रेट रहा ही नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों से मैं क्या ही सीक्रेट रखने की कोशिश करूं। इसलिए अगर आप चाहो तो मुझे प्यारा सा लाइक दे सकते हो, कमेंट में कुछ अच्छा बता सकते हो, और उसके बाद मैं मोटिवेट रहूंगा, और ऐसे ही मैं ऐसे रिसर्च जो है अपने और अपना जो सीक्रेट है वो रिवील करता रहूंगा।